गुड इवनिंग फ्रेंड्स स्वागत है आपका रामोज मैथ का चैनल पर स्टूडेंट आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम लेकर के आए हैं स्टूडेंट्स की डिमांड पर आर पी सी सेकेंड ग्रेड मैथ्स में जो कट ऑफ रहती है स्टूडेंट उसमें और जो मेरिट टॉपर जो रहते हैं उनके मार्क्स में कितना डिफरेंस रहता है लगभग ठीक है बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है वीडियो को पूरा देखिएगा और जो स्टूडेंट नए ऐड हुए हैं वो डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल क्योंकि हमारा चैनल है ओनली डेडिकेटेड टू आर पी एस सी एक्सपरेंट्स ठीक है डेडिकेटेड टू आर पी एस सी एक्सपरेंट्स आपको यहाँ इस प्रकार के सारे नॉलेजेबल न्यूज़ मिल जाएंगे आप हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं चलो स्टूडेंट शुरू करते हैं <coughs> हालांकि देखिए मैंने आपको जनरल कैटेगरी की अभी तक जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं आपके सेकेंड्री एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा दो हज़ार आठ मेरिट जनरल टू सिक्सटी टू दो हज़ार ग्यारह टू नाइन्टी वन दो हज़ार तेरह वन एटी फाइव दो हज़ार सोलह और दो जो भी रिसेंटली हुई टू तो आप देख सकते स्टूडेंट अभी तक पांच बार अभी तक आपके आर द्वारा सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए सेकेंड ग्रेड कंडक्ट हो चुकी है ठीक है अब हम बात करते हैं कि भाई ये तो थी कट ऑफ तो भाई टॉपर के मार्क्स कितने रहे होंगे एक बात मैं वो क्लियर कर दूं कि अभी तक सेकेंड ग्रेड द्वारा टॉपर के मार्क्स या मेरिट लिस्ट जो है वो सेकंड ग्रेड के लिए जारी नहीं की जाती है मैंने तो कभी देखी नहीं हाँ मैं फर्स्ट ग्रेड की बात ज़रूर कर देता हूँ आपको कि फर्स्ट ग्रेड के अंदर आपके 2011 और 2013 के अंदर जरूर आर के द्वारा कट ऑफ में जो मेरिट लिस्ट जारी की गई थी लेकिन उसके बाद उसमें भी जारी नहीं की गई है दो के बाद में पंद्रह हुआ फर्स्ट ग्रेड उसके बाद फिर 18 हुआ दोनों बार कोई मेरिट लिस्ट जारी नहीं की गई है सेकेंड ग्रेड में तो शायद कभी जारी हुई नहीं है लेकिन कुछ स्टूडेंट जो टच में रहते हैं उनके मार्क्स के आधार पर मैं एक आपको बता दे रहा हूँ एक राउंड फिगर कि इतने तक मार्क्स में डिफरेंस रहता है जैसे कि मैं अगर बात करूँ अभी शुरुआत से मैं बात करूँ लगभग सभी मार्क्स के लिए और सभी कट ऑफ के लिए वो लगभग सेम ही पैमाना है जहाँ तक मैंने अनुभव किया है क्योंकि सेकेंड ग्रेड में पोस्ट हैं वो हमेशा अच्छी आई हैं अगर 2018 की हम 700 पोस्ट को छोड़ दें तो लगभग हमेशा 2000 के आसपास पद लगभग आए ही आए हैं ठीक है ठीकें? तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मैंने तो ये देखा है कि हमेशा जो आपका कट ऑफ रहता है स्टूडेंट्स कट ऑफ से कट ऑफ से आप 85 से 90 मार्क्स तक आप काउंट कर लें ठीक है जैसे कि मैं बात करूँ दो में टू कट ऑफ था सबसे पहले उसमें आप एटी के लगभग आप एड कर दें तो ये टॉपर के मार्क्स रहे होंगे ठीक है कुछ टॉपर से बात भी हुई है उसके बेस पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपके टॉपर के मार्क्स हैं लगभग 85 फाइव टू नाइन्टी या आप उसकी रेंज आप ले सकते हैं कि 80 टू 90 ये रेंज लगभग रहती है सेकेंड ग्रेड की बात कर रहा हूँ मैं फर्स्ट ग्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ उसमें रेंज थोड़ी चेंज हो जाती है क्योंकि उसमें सीटें कम आती हैं ठीक है ठीकें? तो क्या बता रहा हूँ मैं आपको कि अगर जनरल की कट ऑफ टू सिक्सटी टू पर रुकी होगी अट्ठा के अंदर तो जो टॉपर के मार्क्स रहे होंगे वो लगभग थ्री टू थ्री के लगभग होंगे इससे अबव नहीं होंगे क्योंकि एक जो पैटर्न जो सामने जो निकल के आता है वो लगभग यही है जितना मैंने एनालिसिस किया है मेरे इंटरेस्ट के बेस पर जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अभी रिसेंटली अगर 2016 की अगर बात कर लें तो 254 कट ऑफ गई थी स्टूडेंट जनरल की ठीक है तो इसमें से आप जो है 80 25 मार्क्स आप इसमें ऐड कर लें तो लगभग 335 से लगभग 340 के आसपास कट ऑफ जो टॉपर के मार्क्स रहे होंगे 335 से 340 सौ कट ऑफ के मार्क्स रहे होंगे ये मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि काफी इंटरेस्ट है मुझे आर से रिलेटेड इन डेटास के लिए और स्टूडेंट से बात भी होती रहती है जो स्टूडेंट कोचिंग पर आते हैं उसके बाद मैं आपको ये एक फिगर दे रहा हूँ क्योंकि कोई भी ऑथेंटिक फिगर आरपीसी की तरफ से जारी नहीं होता है मैं आपको फिर बता दूं लेकिन मेरा सेल्फ इंटरेस्ट है इस वजह से मैं आपको बता पा रहा हूं कि 2016 में अगर दो सौ चौपन कट ऑफ था जनरल कैटेगरी का तो आपके जो तो टॉपर के स्टूडेंट वो तीन सौ पैंतीस से तीन सौ चालीस इतना तक तो जाता ही जाता है, है ना एटी टू नाइनटी के बीच में इससे कम नहीं रुकता है सरल है तो ये, तो ये नाइनटी प्लस भी चला जाता है स्टूडेंट ठीक है जैसे दो में आया था, पेपर सबसे टफ आया था ट्रेड का तो आपके पिछहत्तर से अस्सी के बीच सिमट के रह जाता है ना तो जितना पेपर इजी आएगा उतना ही जो टॉपर है उसके मार्क्स बढ़ते चले जाते हैं एज कंपेटिवली कट ऑफ ठीक है है तो आप ये मान सकते हैं कि आपकी जो कट ऑफ है जितना भी जा रही है ईयर वाइज, उसमें आप 80 टू 90 मार्क्स और ऐड कर लें तो आपको हर साल का कट ऑफ आप जो टॉपर के मार्क्स हैं ना वो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि मैंने ये देखा इस चीज़ को जैसे कि अगर बात कर लूँ दो के अंदर 242 टू था अगर आपका सेकेंड ग्रेड की बात करें मेरिट हो जो मेरिट जो लास्ट गई थी मेरिट लास्ट ठीक है ना टू फोर्टी टू था तो इसमें मैं लगभग स्टूडेंट बात करूं तो आपके एट्टी फाइव मार्क्स और मैं इसमें ऐड कर सकता हूं तो तीन सौ सत्ताईस से आप ये मान सकते हैं कि तीन सौ तीस की रेंज तक कट uh, ऑफ आपके जो टॉपर होंगे ना उनके मार्क्स इस रेंज तक में गए होंगे तीन सौ तीस के लगभग क्योंकि वही रेंज आती है हमेशा आपका एट्टी टू नाइन्टी के बीच में उससे अब कभी तो मैंने देखा नहीं हंड्रेड मार्क्स तो कभी मैंने देखे नहीं इतने सालों से इस चीज़ को मैं एनालिसिस कर रहा हूँ कट ऑफ़ के बारे में और आर पी ग्रेड को लेकर के ठीक है तो यहाँ तक कट ऑफ लगभग चली जाती है पर ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ सीट्स पर एंड पेपर के क्या आपका जो लेवल है उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है अगर लेवल आपका टफ़ है जैसे कि 2013 में टफ़ था पेपर स्टूडेंट वन एटी फाइव ही गई थी कट ऑफ तो उसमें आपका 90 तक तो नहीं गया होगा और कम गया होगा उसमें टॉपर ठीक है तो ये काफ़ी सारा डिपेंड कर जाता है और अगर फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो फर्स्ट ग्रेड में स्टूडेंट जो लगभग अगर पेपर वहाँ भी सरल आता है तो वही एटी टू 90 लेकिन अगर मैं बात करूँ फर्स्ट ग्रेड के अंदर जैसे कि 2013 का पेपर टफ था है ना फर्स्ट ग्रेड में 2013 में पेपर टफ था तो स्टूडेंट उसमें हमारे जो है 60 नंबर का ही डिफरेंस रहा था जो कट ऑफ है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ़ सीट्स भी काफ़ी कम थी उसमें 100 सीट्स ही थी 2013 की अगर फर्स्ट ग्रेड की बात करूँ तो मैं है ना तो फर्स्ट ग्रेड में ये जो मार्जिन होता है वो कम हो जाता है क्योंकि वहाँ नंबर ऑफ़ सीट्स कम आती हैं कभी सौ आती हैं कभी ढाई आती हैं कभी पचास कभी वन इसके अकॉर्डिंग लेकिन सेकेंड ग्रेड में हमारे पास में अगर मैं ये सात सौ सीट छोड़ दूँ जो भी लास्ट टाइम अट्ठारह में आई थी इस बार हालांकि अच्छी सीट आएंगी तो उसके पहले हर बार जो लगभग 2000 के आसपास सीट्स आई हैं तो आपका 80 टू 90 के बीच में आपका लगभग इतना डिफरेंस रहता है आपके लास्ट कट ऑफ और जो मेरिट जो होल्डर रहता है उतना है ना तो स्टूडेंट आज का वीडियो इतना ही आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए नॉलेजेबल होगा हमारे और भी ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल धन्यवाद